हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि UPSEC SC की ओर से आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है, लेकिन इसका अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका नोटिफिकेशन आया है वो आपको हिंदुस्तान पेपर में जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि तो UPSEC यानी कि यूपी हायर एजुकेशन सेलेक्शन कमीशन 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया। तो यहाँ पे देख क्लियरली मेंशन किया है कि 2016 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो प्रेस बेल है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप जो है मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2020, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UPSEC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2020 उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन अनाउंस लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो पोस्ट है वो 2016 है। अब ये जो पोस्ट है 2016, ये ऑलमोस्ट जितने भी सबजेक्ट हैं 35 सब्जेक्ट सबके लिए जो है निकाली गई है, लेकिन इसका जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो जल्द ही आपको दिसंबर के एंड में या जनवरी की फर्स्ट वीक में UPSEC की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसका जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट या मतलब नोटिफिकेशन जो कि हिंदुस्तान के पेपर में निकाला गया है वो आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो हिंदुस्तान जॉब्स का जो भी पेपर है वहां पे देखिए, यहाँ पे इसका एक नोटिफिकेशन निकाला गया। तो देखिए, यहाँ लिखा मेंशन करा रखा है क्लियरली कि डिग्री कॉलेजों में भर्ती होंगे 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए, यहाँ पे जो है टोटल 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। अब ये जो वैकेंसीज है, ये जो आपकी वैकेंसी, ये सारे सब्जेक्ट की है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 35 सब्जेक्ट्स होंगे, तो उन 35 सब्जेक्ट्स के लिए 2016 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को यहाँ निकाला गया है। अब आपको जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 803 जनरल की सीट्स हैं, 184 EWS की है, 571 OBC सीट है और 441 SC वर्ग के लिए जो है यहाँ पे जो रिजर्वेशन रखा गया है। तो जनरल के लिए 803, EWS कैटेगरी के लिए 184, OBC के लिए 571 और SC कैटेगरी के लिए 441 सीट्स हैं। तो टोटल यहाँ पे 2016 सीट्स जो है वो यहाँ पे निकाली गई हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आप हिंदुस्तान के पेपर में देख सकते हैं, तो वहां पे जो है आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो UPSEC है और जो पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है वैकेंसी 2016 है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम डेट आपको बाद में देखने को मिलेगा। साथ ही एप्लीकेशन सबमिशन डेट जो है वो दिसंबर के एंड में या तो एप्लीकेशन आ सकते हैं, फॉर्म इसका आ सकता है ऑनलाइन, या जनवरी की फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक इसका फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा UPSEC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। पोस्ट मैंने ऑलरेडी आपका डिस्कस कर लिया, अनरिजर्व 803, EWS 184, OBC 571, SC 441। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 2016 है। अब सब्जेक्ट देख लीजिए, तो यहाँ पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, ड्राइंग, वोकल म्यूजिक, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। तो देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट हैं 35 सब्जेक्ट सबके लिए जो है वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। एज लिमिट जो रहेगी वो आपकी रहेगी अप्रोक्सीमेट 62, लाइक सुड नॉट मोर देन 62 ईयर्स एज ऑन जो 1 जुलाई 2020। तो ये सब जो है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे आपको जो है ब्लू क्लियर कट सारा जो डिटेल वो आपको देखने को मिलेगा। ये एक बस जो और एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनकी बेस पे जो है ये डिटेल दी गई है, क्योंकि पे स्केल 15,639 रुपीज का है, ग्रेड पे 6,000 है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको UPSEC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके जो है आप एडवर्टाइजमेंट जब आ जाएगा तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही पता चलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जनरली होती है वो जनरल ओबीसी के लिए 2,000 रुपये रखी गई है, SC ST के लिए 1,000 रुपये रखी गई है। मोड ऑफ फी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या कोई नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये सारी जो डिटेल थी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये जो है बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है और वेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के। तो ये बम्पर वैकेंसीज, क्योंकि 2016 बहुत ही ह्यूज वैकेंसीज होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उसमें 10, 12 या 3, 4 ऐसे करके वैकेंसीज को निकाला जाता है, लेकिन UPSEC में क्या है, यूपी में जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं तो उन
सारे कॉलेजेस में जो है वैकेंसीज को मांगा गया कि आपके कॉलेज में कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो है वैकेंसीज को निकाला है। तो सारे कॉलेजेस में जितनी वैकेंट वैकेंसी है उसको इन्होंने जो है मांगा है, और उनकी बेस पे ही इन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे उतनी वैकेंसीज का। तो ऑलमोस्ट 2016 वैकेंसी जो है वो वैकेंट है यूपी में डिग्री कॉलेजेस में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।